कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने बताया कि कोरोना महामारी संकट काल के दौरान किसी भी प्रकार का भ्रामक जानकारी या अफवाह फैलाने का कार्य यदि किसी के द्वारा किया जाता है तो उस पर आपदा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन द्वारा अफवाहों का पूर्ण रूपेण खंडन किया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर जैन ने बताया कि विदिशा शहर के निजी चिकित्सकों से गत दिवस संवाद कर उनकी समस्याओं से अवगत होने के उपरांत निराकरण की पहल की गई है। सभी प्राइवेट चिकित्सकों के द्वारा महामारी के इस संकट काल के दौरान अपनी सेवाएं अविलंब जारी रखने का आश्वासन दिया गया है। किसी भी लैब को प्रशासन द्वारा बंद नहीं कराया गया है। कलेक्टर डॉक्टर जैन ने बताया कि एक अखबार में प्रकाशित खबर पूर्णतः निराधार असत्य है, जिसका जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण रूपेण खंडन किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर जैन के द्वारा जिले के सभी मीडिया बंधुओं से तत्संबंध में आग्रह किया गया है कि महामारी के इस संकट काल में अफवाहों पर ध्यान न दें और यदि उन्हें कोई भी अफवाह या भ्रामक जानकारी संज्ञान में आती है तो उसे प्रशासन से कंफर्म कर लें। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सर, आज आपने प्राइवेट डॉक्टरों के साथ बैठक आई, कल कुछ मीडिया के हमारे साथियों द्वारा एक व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे खबर चलाई जा रही थी, जिसको मैं बिल्कुल क्लियरली और स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहूँगा कि ये मात्र अफवाह से ज़्यादा नहीं थी। और चूंकि प्रशासन की विश्वसनीयता पर ये सवाल उठाए गए थे और उसको क्लियर करने के लिए आज प्राइवेट डॉक्टर्स की ही बैठक आयोजित की गई थी और कुछ डॉक्टर जो नहीं आ पाए उनके लिए जूम से भी व्यवस्था की गई थी और इसमें जिन लैब्स के बारे में बताया जा रहा था उनके डॉक्टर्स को भी आमंत्रित किया गया था कि आप स्वयं अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें। प्राइवेट डॉक्टर्स की बैठक इसलिए थी, उसमें दो चीज़ें थी। एक तो हमें उनसे सहायता चाहिए कि एक जो कोरोना को लेकर पैनिक का वातावरण बन रहा है उसमें वो लोग हमें मदद करें, मरीजों को स्पष्ट स्थिति बताएं, साथ ही साथ दूसरी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।